किन टॉप हीरोइंस ने की क्रिकेटर्स से शादी, कैसे डूबा इनका करियर। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने अपने इमोशनल पोस्ट से सबको काफी सैड कर दिया है, जिससे हमें एक बात याद आई कि इंडिया में लोग सिर्फ दो चीजों के दीवाने हैं, एक क्रिकेट तो दूसरा सिनेमा। जी हाँ, इंडिया में क्रिकेट और सिनेमा का एक गहरा नाता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहाँ एक ओर क्रिकेटर्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टीज में नजर आते हैं, तो वहीं बॉलीवुड सेलेब्स क्रिकेटर्स के साथ एड्स करते हुए नजर आते हैं। शर्मिला टैगोर से लेकर अनुष्का शर्मा तक बॉलीवुड की कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने क्रिकेटर्स से शादी की है। हालांकि कुछ एक एक्ट्रेसेस को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी एक्ट्रेसेस का बॉलीवुड करियर शादी के बाद लगभग खत्म होता नजर आया है। आइए हम बात करते हैं ऐसी ही एक्ट्रेसेस की जिनका बॉलीवुड का सफर शादी के बाद खत्म हो गया। संगीता बिजलानी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से की थी शादी। एक समय पर दुनिया भर में कलाई के जादूगर के नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी के अफेयर काफी चर्चे में थे। कई साल डेट करने के बाद 1996 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। 1980 में मिस इंडिया रह चुकी एक्ट्रेस संगीता बिजलानी ने 90 के दशक में कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। हालांकि अजहरुद्दीन को डेट करने के साथ साथ वो बॉलीवुड से दूर होती रहीं और उनसे शादी करने के बाद उनका बॉलीवुड करियर बिल्कुल खत्म हो गया। और आपको बता दें कि 2010 में अजहरुद्दीन से उनका डिवोर्स भी हो गया। रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से की थी शादी। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होने वाली एक्ट्रेस रीना रॉय ने पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली थी। एक समय था जब बॉलीवुड के एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रीना रॉय के अफेयर के चर्चे थे, लेकिन उन्होंने 1983 में मोहसिन खान से शादी करके बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि वो मोहसिन की लाइफस्टाइल और उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। उसके बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड में वापसी करने का बहुत ट्राई किया, लेकिन दूसरी पारी में उनका करियर परवान ना चढ़ सका। जहीर खान की बीवी है सागरिका घटगे। फिल्म चकते इंडिया में प्रीति सबरवाल के कैरेक्टर से हर दिल में जगह बनाने वाली सागरिका ने काफी लंबे समय तक जहीर खान को डेट किया और साल 2017 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड से किनारा कर लिया। अब वो एक बार फिर से टीवी रियलिटी शोज और वेब सीरीज के जरिए वापसी करने की कोशिश कर रही हैं। हेजल कीश ने की युवराज सिंह से शादी। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीश ने कई सारे आइटम नंबर्स पर परफॉर्म किया है। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस पहचान तब मिली जब उन्होंने सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में करीना कपूर की सहेली का किरदार निभाया। इसके बाद से ही वो युवराज सिंह को डेट करने लगी और डेट करने के बाद 2016 में उन लोगों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद हेजल कीश ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। गीता बसरा भी हो गई बॉलीवुड से गायब। भारतीय मूल की ब्रिटिश एक्ट्रेस गीता बसरा ने साल 2006 में इमरान हाशमी के साथ फिल्म दिल दिया है से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद गीता को इमरान हाशमी के साथ ही फिल्म द ट्रेन में बड़ा रोल मिला, जिसके बाद उन्हें पहचान मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 4 ही फिल्मों में काम किया और इसी दौरान वो हरभजन सिंह को डेट करने लगी। 2015 में हरभजन से शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। फिलहाल हरभजन सिंह और गीता बसरा दो बच्चों के पेरेंट्स हैं। शुरू होते ही खत्म हो गया नताशा स्टैनकोविक का फिल्मी सफर। सर्बियन मूल की एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई आई थी। उन्होंने प्रकाश झा की फिल्म सत्याग्रह में एक गाने में परफॉर्म किया था। उसके बाद वो साउथ की और बॉलीवुड की कई मूवीज में छोटे मोटे रोल्स करती हुई नजर आईं। इसी बीच उनका अफेयर हार्दिक पांड्या से शुरू हो गया, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। आज हार्दिक और नताशा का एक बेटा भी है। नताशा भले ही खुद को एक्टिंग में एक्टिव बताती हूँ, लेकिन उनका बॉलीवुड करियर लगभग खत्म हो गया है। सालों से बड़े पर्दे से गायब है अनुष्का शर्मा।
अनुष्का शर्मा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी है। अनुष्का ने शाहरुख खान के ऑपोजिट रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया था। अनुष्का ने इसके बाद बैंड बाजा बारात और कई सारी फिल्में जैसे ए दिल है मुश्किल, जीरो और भी कई सारी फिल्मों में बहुत ही अच्छा काम किया है। अनुष्का का फिल्मी करियर खत्म तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन वो एक्टिंग में इतनी एक्टिव नहीं है जैसे कि वो पहले थी। साल 2017 में विराट कोहली से शादी करने के बाद अनुष्का शर्मा कम ही फिल्मों में नजर आई। उनकी आखिरी फिल्म जीरो 2018 में आई थी। अनुष्का एक बार फिर से क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक चकड़ा एक्सप्रेस से बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का करियर क्रिकेटर्स की वजह से खत्म हुआ? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।